आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स, यानी परिंदों के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स यू कैन सी, एंड बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट मोस्ट आर नॉट. यू कैन सी पीकॉक, कीवी, पैरोकीट, आउल, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, किंगफिशर, माइनर, क्रो एंड ईगल. दे आर द सम बर्ड्स यू कैन सी. ओके, विच टू बर्ड्स शोन अबव कैन नॉट फ्लाई. अच्छा, इनमें से आपने मुझे बच्चों बताना है कि कौन से दो बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, एंड विच बर्ड इज़ नेक्स्ट टू आर नेक्स्ट. और कौन सा ऐसा बर्ड है जो जिसका घोंसला बना होता है, यानी नेक्स्ट बना होता है, एंड वॉट इज़ इन द नेक्स्ट, और उस नेक्स्ट के अंदर क्या मौजूद है. ओके, बेबी एनिमल लुक लाइक देयर पेरेंट्स. जैसे कि आप देख रहे हैं, बेबी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लाइक कैट, डॉग एंड काउ. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी सम एनिमल ले एग्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं, यानी अंडे देते हैं. वैन द एग्स हैच, बेबी एनिमल्स केम आउट ऑफ द एग्स. यू कैन सी दैट, जब ये देख लीजिए, स्नेक भी एग देता, स्नेक ऑल्सो गिव एन एग, फिश एंड चिकन ऑल्सो. नाउ लुक एट द पिक्चर of the egg and what kind of animal do you think will hatch out of each. You can see the three picture and you will tell me which type of eggs these are and which animal hatch. Okay, now food. Animal need food, water, clean air and a safe place to live. Okay, some animals only eat plants and some like cow, horses and goats, they eat grasses and leaves. But some animals eat other animals, okay, like tiger and like many or wild animals, so they eat another animals. Now students, some animals eat insects. As I told you before that some animals eat different type of animals and some eat grasses, and you can see that some eat insects and worms. You can see that tigers, some animals eat other animals like dogs, lion, and tigers eat meat and home. Now homes, animal make their own homes and they feel safe in their homes. You can usually say that some of the animals make their home in trees, in mountains, in cage and under the soil. Okay, यानी ज़मीन के अंदर बनाते हैं, दरख्त बनाते हैं, माउंटेन पे बनाते हैं और गार के अंदर बनाते हैं. ठीक है, यू कैन सी दैट ओल इन अ ट्री होल, पेयर इन अ केव, बर्ड इन अ नेस्ट, स्पाइडर ऑन अ वेब, एंट्स ऑन अ एंथिल एंड स्नेक इन अ होल. ठीक है, ये डिफरेंट उनकी जगह होती है, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो अपने घर बनाते हैं. Now students, people make homes for domestic animals and these animals can live safely with humans, and wild animals cannot be kept at home as they can be dangerous. As you can see that most of the peoples make home for their animals, their pet animals like bird, camel, rabbit, hutch and stable. जैसे घर में अगर आप कोई भी bird या कोई भी pet पालते हैं तो हम उसके लिए अलग घर बनाते हैं. वाइल्ड एनिमल्स को तो हमने घर में नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़तरनाक होते हैं, वो डेंजरस होते हैं हमारे लिए. ठीक है बच्चों, नाउ फिल इन द ब्लैंक, सॉरी फिल इन द टेबल ब्लो विथ योर टीचर हेल्प. यानी आपने बच्चों क्या करना है, लायन कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैट कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, जिराफा कहाँ रहता है, क्या खाता है, एंड काउ. इन सब के बारे में आपने मुझे बताना है अपनी वीडियो के ज़रिए या अपनी बुक में है, अपनी कॉपी होगी आपके पास साइंस की, तो उसमें आपने ये चार्ट फिल करके मुझे दिखाना है. सो आई विल गिव यू अबाउट द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैप्टर फाइव एनिमल्स एंड हाउ दे लिव. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट. जजाकल्ला.